आप लोगों में से कई लोगों ने लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स होता है वो कितने दिनों का होता है, इस पर कोई वीडियो बनाइए और वो हमें बताइए डिटेल में। तो भाई लोगों देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स होता है वो 1 महीने का भी कर देते हैं इंस्टीट्यूट वाले, 3 महीने का भी, 2 साल का भी कर देते हैं या 3 साल का भी कर देते हैं, डिपेंड करता है उन पर। बट आपको इन चक्रों में नहीं पढ़ना है। मैक्सिमम अगर मेरा सजेशन आप मानेंगे तो 3 महीने वाला जो कोर्स होगा ना वो कर लीजिए। अब उसके पीछे लॉजिक है, 3 महीना बहुत एनफ है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट से। आप देखिए, आपने फर्स्ट मंथ समझ लीजिए कि अब, लेकिन जो चालू करेंगे आप ACU से करेंगे, फिर से बोलूँगा, जो चालू करेंगे कोर्स तो ACU से करेंगे। ACU जैसे आप सीखते जाते हैं ना, तो सीख के बैठना नहीं है, उसका प्रैक्टिकल करना चालू करना है। ऑफ पेज एक्टिविटी, ऑन पेज एक्टिविटी जो है ना वो करना चालू कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, समझ लीजिए फर्स्ट मंथ आपने सीख लिया, ठीक, सीखने के बाद क्या हुआ, आपने प्रैक्टिकल किया, जो प्रॉब्लम आपको फेस हुआ वो 2 महीने में, मतलब सेकेंड और थर्ड मंथ में आपने उससे इंस्टीट्यूट वाले से पूछ पूछ के अपना जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिया। समझ रहे बात को? मैंने यही किया था कि जो मैंने सीखा ना, अब सीखने के बाद प्रैक्टिकल अगर नहीं करेंगे और प्रॉब्लम आएगी तो कौन सॉल्व करेगा? आप तो 1 महीने में सीख के निकल लिए और उसके प्रॉब्लम आएगा तो दोबारा इंस्टीट्यूट के पास थोड़ी जाओगे आप, और वो बताने में भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो 3 महीने का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए या 5 महीने का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जो भी करना है, मतलब कि उससे ज़्यादा करने का लॉजिक ही नहीं है, 3 महीना काफ़ी है। तो उसके बाद प्रैक्टिकल कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़रूर करिए 1 महीने कम से कम। जो प्रॉब्लम आपको फेस होगा वो, कि वो बंदा बैठा हो कि हाँ ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर दे, ठीक है। तो कोर्स होता है उसका ड्यूरेशन यही चलता रहता है, ज़्यादा लंबा कोर्स करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बात कर लेते हैं पैसे की। देखिए पहले जो मैं था तब तो 5,000 में मैंने कर लिया था, और 5,000 में कर करा के मैंने वहाँ से निकल लिया। अब कई लोग लिखते हैं कि वो इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, अब वो इंस्टीट्यूट कहाँ रहा लक्ष्मी नगर में, अब कहाँ पर है, नहीं है, वो बिल्कुल ही कोई, मतलब कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट से मैंने किया या नहीं था। एक छोटा सा रूम था और उसमें 2-3 कंप्यूटर लगे हुए थे और एक टीचर था, बस सीख लिया था और फिर वहीं से फिर मैंने जॉब के लिए सर्च करना चालू किया और इंटरव्यूज देना चालू किया तो हो गया। तो इसलिए मैं आपसे, आपको भी यही बोलता हूँ, ज़्यादा बड़े और हाईफाई इंस्टीट्यूट की तरफ जाने से अच्छा है कि किसी छोटे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके, जो कि ना आपको फेस टू फेस ना चीज़ें सिखाए और प्रैक्टिकली करके सिखाए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई बोर्ड हो और पूरा LCD लगा हो, बड़े बड़े चेयर्स हो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना डिजिटल मार्केटिंग का। एक कंप्यूटर हो इस तरह का, बैठे हो बगल में एक बंदा बैठा है, वो तुम्हें सिखा रहा है और आप सीख रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कोर्स की अगर पैसे की बात कर रहा था तो कोर्स के पैसे के, देखिए मैंने 5,000 में सीखा था, मैंने बोला अभी जो कोर्स है मैं देख रहा था और लोगों ने मुझे वहाँ लिखा भी था कि इंस्टाग्राम पर भी लिख रहे थे और बता रहे थे कि लगभग 30,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, बढ़ गया है, प्राइसिंग थोड़ी सी जो इंक्रीज हो चुकी है, तो देख लीजिएगा बार्गेनिंग करके, बट मोटा मोटा मान के चलिएगा कि 20,000 से 30,000 रुपये तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए चार्ज करेंगे। आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो कोई भी आराम से कम कर लेता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इतने में आराम से कर 50,000 देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता 50,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्टार्टिंग। लेकिन ACU से ही कीजिएगा, ACU अच्छे से सीख लीजिए, दम लगा के और मन लगा के सीखना है ACU। उसके बाद जो बाकी जो 2-3 चीज़ें होगी ना, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम आप कम भी देंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो ACU सीखना है ना, वो एकदम मन लगा के सीखना है कि भाई उसका ना कोई, मतलब समझ लीजिए कि 19-20 का बिल्कुल ना रहे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ जाओ, एक एक चीज़ जो इतने भी आप जो अपडेट्स आ रहे हैं गूगल्स के वो पढ़ जाओ, इंडेक्सिंग, लिंक बिल्डिंग, जितना चीज़ है ना वो सारी चीज़ों को ना कॉन्सेप्ट ना क्लियर करना, और उनके फाइल को कैसे मेंटेन किया जाता है वो भी उनसे ज़रूर सीखना, ठीक है। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी है। कोई अगर क्वेश्चन है कमेंट में आप मुझे लिखिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर लिखिए, जो इंस्टाग्राम का आईडी आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रही है आप मुझे वहाँ पर लिख दीजिए। अगर मैंने उसे लाइक कर दिया समझ लीजिए कि उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाई चांस कभी होता है कि टाइम नहीं होता, मैं कमेंट नहीं कर रिप्लाई नहीं कर पाता, और लेकिन अगर मैंने लाइक किया तो मैंने समझ लीजिए कि उस वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, वो मैं लिख लेता हूँ जो भी टॉपिक मेरे को लगता है थोड़ा सा अलग सा लिखा हुआ है और कई लोगों की डिमांड से, तो वो मैं अलग से मेंशन लिख लेता हूँ। तो वीडियो आप देखेंगे कि मैं जनरली कमेंट पर ही बनाता हूँ,
तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको ठीक लगता है तो किसी ना किसी से शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।